Hello everyone, I welcome you all to this Sexha Friends, as we know that every day we are trying to cover every chapter of the book that is Spectrum, and that is very an essential book for your KAS exam and for the UPSC as well. What we do in that rapid revision series is that ki we are trying to catch up some really important points from every chapter. We are trying to mug up every important point from one chapter where the probability of a question is very very high the chances of any equation in your paper from modern India in particular is really very high so we are trying to cover every chapter in the fastest way that is why we have called it as a rapid revision series of modern India <laughs> please go to the back of the videos where you will find that I have discussed all the important and relevant points of a chapter in uh, that has been present in the spectrum book and हाउ आई हैव इन्फेसाइज ऑन समॉपिक्स लाइन्स यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल इन यूर एग्जाम बिकॉज आई हैव अ रिच फुल एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम्स एंड द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड इन एनी पेपर चाहे वो आपका के एस हो चाहे वो यू पी एस सी हो एनी ठीक है रेस्ट वी हैव क्रिएटेड आर इंडिविजुअल कोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट इज दैट यू कैन अवेल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हर दिन हम लोग ओपन टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए दैट इज फ्री फॉर एवरी वन ऑफ यू दैट इज बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स ट्वेंटी करंट अफेयर क्वेश्चन तो आपके पेपर में हर साल आएंगे एंड दोज क्वेश्चन आर मेड फॉर द करंट अफेयर्स ओनली एंड दैट इज अवेलेबल फॉर फॉर यू फॉर द फ्री वी हैव गॉट द फ्री एक्सेस फॉर दैट प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट सो टूडे विल बी स्टार्टिंग द स्ट्रगल बिगीन्स बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया सो फ्रेंड्स हेयर यू हैव टू आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि कांग्रेस सेशंस कहाँ कहाँ से uh, चालू हुए थे कहाँ पर हुए थे कौन से ईयर में हुए थे एंड लीडर कौन था और उस टाइम पर क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे सी दिस इज द थिंग ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस सेशन क्योंकि कांग्रेस सेशन से आपका एक ना एक दो क्वेश्चंस तो फंसेंगे ही फंसेंगे लिखवा लो मुझसे देर विल बी एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन दैट विल बी कवर्ड इन दी इन योर पेपर दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग एग्जाम्पल इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन ऑफ़ द कांग्रेस सेशन जस्ट द थिंग दैट यू हैव टू डू इज लाइक कि आपको ईयर and uh, the one who presided it, and what are the decisions taken it by, and where it happened actually in Calcutta, Madras, uh, Surat, Nagpur, Bombay, right, Chennai, Haripur. Okay, so you have to remember these kind of names. Where it happened, when it happened, and what were the decisions that have been taken. So let's start. You don't have to uh, learn many things in this chapter. इंडियन रेनिस था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन रेनिसेंस मतलब वही अवेकनिंग हुई थी जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेरे साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में जहाँ अपने लोगों ने पढ़ा कि कितना इंपॉर्टेंट था ये रिफॉर्म मूवमेंट्स लोगों की साइकोलॉजी चेंज करने के लिए लोगों में एक रेशनानैटी लाने के लिए कि जो वो लोग कर रहे हैं वो सही है या गलत है ये कुछ जानने की जरूरत है उन लोगों को इस चीज़ को लेकर के एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जहाँ से डेमोक्रेसी लिबर्टी इक्वालिटी ये सब वर्ड्स जो है हम लोगों ने हमारे दिमाग को अट्रैक्ट किया था इन वर्ड्स में सो फ्रेंच रेवल्यूशन इंडियन रेनिसेंस मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड थे हमारे दिमाग में आइडिया डालने के लिए ठीक है चलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री अब देखिए यहाँ पर बेसिकली ये है कि मॉडर्न जो हमारे मॉडरेट्स थे मॉडरेट्स हु आर द मॉडरेट्स मॉडरेट्स आर दी वंस हु एक्चुअली ट्राइड जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चीज़ों को बदला जाए लाइक द डेवलपमेंट इन इंडिया और द डेमोक्रेसी और द

जो भी प्रॉफिट बना है तो आधा आधा प्रॉफिट शेयर जाता था तो इनडायरेक्ट कंट्रोल था क्योंकि उनकी अपनी आर्मी सी तो ब्रिटिशर्स के साथ एक टैक्ट बना लिया था कि ठीक है इनडायरेक्ट कंट्रोल है हमारा इंडरेक्ट कंट्रोल मतलब समझिए सब्सिडरी अलायस वाला टाइप में ठीक है चलिए ज़्यादा कुछ समझा है नहीं इसमें दीज आर थिंग्स वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन यू नो दैट की दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट प्रोसेस ऑफ इन आर इंडियंस एज वी से दैट कि हम लोग कहते भी थे पहले कि ब्लड बाय इंडियन बट टेस्ट बाय वेस्टर्न ठीक है

Shelley, Rousseau, Payne, Spencer, Voltaire—these are the very important ones who actually give the heed towards the development of democracy, uh, the uh, the bond of rights, the contract between the government and the people, social contract theories. Right? They was very important. Though during these times, the development of these political thinkers also paved a way for our minds to look for the democracy or the nationalism feeling inside our minds. The role of press and literature. ये याद रखिएगा 1877 से ही प्रेस जो है वो काफी ऊंचाई पर आ चुका था एज एन लाइक फ्रॉम एटी एटीन सेवनटी सेवन वन सिक्सटी नाइन न्यूज पेपर्स वो आर एक्चुअली गॉट पब्लिश इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस ठीक है अब वर्नेकुलर लैंग्वेजेस क्या है इंग्लिश में भी चल रहा है मराठी में चल रहा है रीजनल रीजन रीजनल लैंग्वेजेस में चल रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा भी है अभी आप लोगों ने काफी पढ़ा भी है उस चीज़ को लेकर के बंगाली में चल रहा है गुजराती <coughs> में चल रहा है अदर लैंग मराठी में चल रहा है अदर लैंग्वेजेस में न्यूज आपके हो रहे हैं

इनका बैकग्राउंड अच्छा था नॉलेज थी, आइडियाज़ थे वैल्यूज थे लेकिन कम में थे मॉडर्नाइजेशन uh, in को और भी ज्यादा हीटअप कर सकते थे चलिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल रूलर्स रिएक्शनरी पॉलिसी आप जानते ही पॉलिसीज क्या वर्नकुलर प्रेसेट लगा दिया था कि मतलब न्यूज आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ठीक है

वो सिर्फ नाम नाम की जुडिशरी थी दे आर एक्चुअली टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंग्लिश नॉट द इंडियंस याद रखिएगा इन चीजों को पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से भी पहले बहुत कैंपेनिंग हुई थी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी बिकॉज कि एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जहां पर मॉडर्न इंटेलिजेंसी बैठे एक साथ एंड दे शुड डिस्कस द थिंग्स दैट इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड दे शुड ऑल बी इंडियंस राइट दैट शुड बी द एसोसिएशन ऑफ इंडियन पीपल हु आर एजुकेटेड वंस Who can fight for the rights? Who can discuss the legalities and the illegalities that the British government was trying to imposing on each and every Indian during those times? to तो इंडियन congress कांग्रेस इसलिए बनाया गया था under banaya बनाया गया था ए ओ ह्यूम याद रखिएगा ए ओ ह्यूम ए ओ okay देखिए so, administrative reforms एसोसिएशन ऑफ इंडियंस ये सब बहुत जरूरी था spread ऑफ एजुकेशन पढ़ चुके हैं इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं जो कि बेसिकली पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल बंगाल में आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ इंडिया दैट हैज़ गॉट द मैक्सिमम रिसोर्स दैट हैज़ गॉट द मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशेंसी बंगाल में आपका डिविजन भी हुआ था नाइनटीन हंड्रेड फोर को ठीक है डोल गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई थी बंगाल वॉज इन लाइक इन ब्रॉडली और इन क्रक्स बंगाल वॉज एन अपिकॉम ऑफ ब्रिटिश अम्पायर इट वॉज अ वेरी बिकॉज इट द रीजन वॉज वेरी बिग इट वॉज कम्प्राइजिंग ऑफ मनी प्रोविसेज ऑल टूगेदर वो तो आने के बाद जा के अलग अलग हुए थे बट एट दोज टाइम्स बंगाल वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रोविंस ऑफ इंडिया ठीक है चलिए तो जमीन द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा ये राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था इट वॉज अ पोलिटिकल एसोसिएशन याद रखिए क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे यहाँ से कि द बंगा भाषा पराकसिका सभा वॉज फॉर्म्ड बाय होम दैट वॉज राजा राम मोहन रॉय नोट बना लीजिए बंगा भाषा पत्रकार सभा सामने राजा राम मोहन राय दैट्स ऑल ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है जमींदारी एसोसिएशन मोर पॉपुलरली नोन एज द लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन से नाम सीधा चल रहा है जमींदार्स के राइट्स को बचाने के लिए जमींदारी की इंग्लिश क्या होती है लैंड ठीक है तो लैंड के राइट्स को बनाने के लिए बनाया गया था ये ठीक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ठीक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए था लोगों को बताने के लिए कि भाई ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनका पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसिस को और भी ज्यादा उजागर करने के लिए ओपन करने के लिए ठीक है एक टाइम के बाद द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर्स एडवाइजरी लैंड दैट इज कॉल्ड एज जमींदारी एसोसिएशन दे बोथ गॉट दैट इज नाउ दे आर कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दिस क्वेश्चन कैन बी आज वेरी क्लियरली आई एम ओपनली टेलिंग यू गैस तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ठीक है यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो दो ग्रुप्स का फॉर्मेशन था किसका किसका लैंड होल्डर सोसाइटी का और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का चलिए और इसका काम क्या था एक सेपरेट लेजिस्लेचर बने ठीक है एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन हो मतलब एग्जीक्यूटिव का फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन का अलग हो जाए अब बातों में से आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो बताइए कि कौन सा आर्टिकल ये अभी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन अभी भी मैंशन है आर्टिकल फिफ्टी है जिन्हें नहीं पता है दैट्स आर्टिकल फिफ्टी याद रखिए रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स एबोल्यूशन ऑफ सॉल ड्यूटी अब कारी स्टैम्प ड्यूटीज ठीक है दिस आर द थिंग्स जैसे हम लोग पे जबरदस्त टैक्स बनाया जा रहा था तो इन सब चीज़ों के लेकर के, के पॉलिटिकल जो एसोसिएशन बना था मेन मुद्दा उन लोगों का यही था कि इस चीज़ से फाइट करना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अब ऐसा तो नहीं था कि इंडिया के बाहर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने ही नहीं थे इंडिया के बाहर भी क्योंकि दिज ऑल द पीपल्स वर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द इंग्लैंड ओनली दे वर दे हैड देयर एजुकेशन ऑल ओवर द बैरिस्टर्स सबके सब लॉयर्स सब थे ये पढ़ा भी है आपने सुना भी है काफ़ी बार तो दे ऑल वर कमिंग फ्रॉम द इंग्लैंड सो इट वॉज लाइक अपर इन मिडिल क्लास जो ये काफी एजुकेटेड था दे न्यू बेटर इंग्लिश देन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था ये दादा भाई नरोजी ने फॉर्म किया था इन लंडन याद रखिएगा द ईस्ट ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्मड इन विच अमंग फॉलोइंग यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको बंगाल बॉम्बे लंडन और जर्मनी अब दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज हो गया अगर सिर्फ लंडन डाला होता तो एक साथ एक दिमाग लगाता कि यार तीन तो इंडिया के एक लंडन क्यों डाला इससे चलो लंडन ही मार देते हैं वो एक बात वाइल्ड कैसे होगा लेकिन अब लंडन के साथ जर्मनी डाल दिया अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार जर्मनी तो एक तरीके से रिलेट करता था सुभाष चंद्र बोस के टाइम में लेकिन ईस्ट एस इंडिया एसोसिएशन के टाइम पर उस वक्त जर्मनी का कोई हिसाब था नहीं क्योंकि जर्मनी उस टाइम में किस चीज़ से गुजर रहा था किस कंट्रोल में था एडोल्फ हिटलर के टाइम में था वहाँ पर आपको यूनिफिकेशन और जर्मनी का चल रहा था प्रोसेस जहाँ पिछईस को मारा जा रहा था चलिए तो ये याद रखिएगा इस तरीके से इंडियन लीग वॉज फॉर्म बाय शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग वॉज फॉर्म बाय दैट इज शिशिर कुमार घोष द इंडियन एसोसिएशन ऑफ नोन एज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन आई एन नाम याद रखिएगा आई एन ए आज भी नाम ये गूंजता है बताइए कहा गूंजता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन दैट इज रिलेटेड विद द कांग्रेस आई एन ए इज रिलेटेड विद द कांग्रेस और यहीं से कांग्रेस आपका फॉर्म हुआ था सुपरसीडेड द इंडियन लीग एंड वॉज फाउंडेड बाई नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस तो आई एन ए किसके द्वारा फॉर्म किया गया था दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ठीक है चलिए क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इस चीजों के लिए बना था तो पता है आपको भी मुझे भी पता है इसमें सोचने की जरूरत नहीं है अब पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे अभी तो बंगाल पढ़ लिया आपने लंडन का भी पढ़ लिया आपने पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे बॉम्बे में कौन था पूना सार्वजनिक सभा पूना हो गया आपका पूे पूना सार्वजनिक सभा फाउंडेड बाय महादेव गोविंद ठीक है ये याद रखिएगा पूना सार्वजनिक सभा भाई किसने बनाया महादेव महादेव गोविंद रानाडे महादेव गोविंद इसी तरीके से आपको याद करना होगा बार बार बोलकर मैं याद होगा नहीं तो याद नहीं होगा आपको और ये क्वेश्चन आ गया तो वहां पर उस वक्त दीवारों को देखने की जगह अगर आप अभी याद कर लेंगे तो शायद सही आंसर कर लेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तीन लोगों ने यह फॉर्म किया था एंड हु वर वर दे दोज के टी तेलांग फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तयापजी दीज वर द थ्री पीपल हु फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है सीधा सा आप ऐसे याद करिए त्यापजी मेहता तिलानग ठीक है तिलानग मेहता त्यापजी ये तीनों से याद करने की कोशिश कीजिए नाम से बाकी चीज़ अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी आइडिया मिल जाएगा आपको चलिए पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास अब मद्रास में आपने बॉम्बे का पढ़ लिया बंगाल का पढ़ लिया तो भाई मद्रास में आप देख रहे हैं आप एक चीज देख रहे हैं आप बॉम्बे बंगाल मद्रास दीज वर दी एपिटोम्स ऑफ द ब्रिटिटर्स एक चीज पर ध्यान रखिएगा आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे और देखिए यहाँ पर हर जगह समुद्री एरिया है क्योंकि ब्रिटिशर्स को कॉमर्शलाइजेशन इंटरेस्ट उन लोगों ने कभी छोड़ा ही नहीं कभी नहीं तो ये सब ना एक बहुत इंडस्ट्रियल एपिटोम सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स uh, के और यहीं पर एसोसिएशन फॉर्म की गई थी तो मद्रास में जो मना था आपका दैट वीस मद्रास महाजन सभा फाउंडेड बाई थ्री पीपल दैट इज लाइक ई सुब्रमण्यम ठीक है पी आनंद एंड वीरा गवचारी या आप बार बार याद करेंगे दोस्तों तभी याद होगा ऐसे आप लोग कंफ्यूज जाएंगे और कहेंगे यार क्या ही याद करना छोड़ो हटाओ लेकिन यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा तो जो अगर अच्छा बच्चे हैं वो प्लीज़ याद कर लीजिए इसी तरीके से बैठ करके के एस बनना है तो भैया याद करना ज़रूर चाहिए आगे चलते हैं प्री कांग्रेस कैंपेन्स मैटर नहीं करता ये सब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इन सब लोगों में कुछ नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग वर प्री कांग्रेस कैम्पेन्स क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है यहाँ पर कितनी आप कैंपेन्स को पढ़ लोगे और सिर्फ नाम पढ़ने से फ़ायदा क्या है जब आप उसके कैंपेन uh, के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको और कितना कुछ हो सकता है ये तो सिर्फ मैंशन है बुक में रिकॉर्ड्स में कितना ज्यादा होगा ये भी नहीं पता है आपको ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है ये वाला अब इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करते हैं दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेस यहाँ पर आपका अब आईएनसी फॉर्म कर दिया गया एंड दैट इज़ व्हाट दी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ठीक है दैट इज सेफ्टी वर्ल्ड थ्योरी अब सेफ्टी वॉल थ्योरी का क्या हिसाब है कि भैया ऐसा कहा गया था कि आईएनसी को जो फॉर्म किया गया था इट वाज मोर फॉर देन लाइक कि एक <coughs> एक वॉल्व होता है ना एक सुई तरीके से वॉल्व को सुई बोलते हैं तो सेफ्टी पिन की तरह कि चीज़ों को बचा के रखा जाए एक अपने राइट्स को और चीज़ों को ना एक तरीके से जगह से बैठ करके किया जाए कहने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया एम से लेके अंदर ए ओ ह्यूम यह बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है ताकि मोबालाइज कर सके इंटेलेक्चुअल्स को एट द टाइम पर लोगों की तरफ मॉडर्नाइजेशन दे सकें कि भाई आपके साथ क्या गलत हो रहा है उन्हें उनकी राइट्स के बारे में बताया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या अधिकार देता है इन सब तो चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाए उन्हें बताया जाए कि बाहर चल क्या रहा है क्योंकि जो एक किसान है यहाँ पर उसको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है उसको आप बैठा करके बताइएगा कैंपेनिंग करिएगा रैली करिएगा तब जाके उसको पता चलेगा कि यार बाहर भी चल रहा है और ऐसा भी कुछ है एक नेशनलिज्म पेट्रोटिज़म नाम की चीज़ भी है कुछ ऐसा भी है क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को यही तो मैं कह रहा हूँ ना लोग भूल चुके थे उनको आदत हो चुकी थी यार हम लोगों को आदत हो गई थी स्लेव बन के रहने की ब्रिटिशर्स की और मजबूर भी थे हम लोग क्या करते मजबूर थे हम लोग काफी ज्यादा तो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वेयर द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इट हेल्ड इन बॉम्बे एंड वेयर एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज

वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा याद करने में थोड़ा सा लोग हिचकते हैं कि या ही याद छोड़ो क्या ये याद करना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सेवेंटी टू डेलीगेट्स प्रिसाइडेड ओवर बाय वमेश चंद्र बनर्जी चलिए ये सारे नाम हैं ये आपको बी आप चैप्टर में जब आप पढ़िएगा नेशनल कांग्रेस का तो ये सारे नाम अपने आप आ जाएंगे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है डेट ये सॉरी ईयर सेशन कहाँ पर हुआ था एंड हु प्रिसाइडेड दि सेशन अपने आप वहाँ पर वहां पर आपको याद करने की जरूरत है अभी याद करने की जरूरत नहीं है कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकटा यूनिवर्सिटी याद रखिएगा इंडियन वुमेन जो थी जो पहली जो कि फर्स्ट ग्रेजुएट थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन किया था डेट कादम्बिनी गांगुली एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है वॉज सेफ्टी वॉल अब इसमें नहीं जाते यार क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें जाने की जरूरत नहीं है बस सेफ्टी वॉल पूछेगा आपका पी है तो इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा इन चीज़ों पर कि एकदम एनालिटिकल वे में चले जाए और बिल्कुल यू पी से भी ज्यादा लिमिट में बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा तो जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कांग्रेस अब देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर ज्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक मोटा मोटी हिसाब भी लीजिए आप बॉडली कि यार हाँ एक एंटी एंटीकोलोनियन नेशनलिस्ट फीलिंग आइडियोलॉजी क्रिएट करनी है लोगों के बीच में कौन से लोग मास के बीच में द वंस हु आर द इलिटरेट वंस द अनएजुकेटेड वंस क्योंकि सारी ताकत आपकी वही लोगों से आएगी उन्हीं लोगों से आएगी जो ज्यादा मेजोरिटी में है ताकत उन्हीं से हमेशा आती है उस टाइम पर जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसियाँ था उनसे उनसे यूनाइट करके चीज़ें नहीं हो सकती है बदली जा सकती हैं लेकिन जो गरीब थे जो पिछड़े थे उनके अंदर अगर हम लोग नेशनलिस्ट फीलिंग की सीड्स को सो कर दें उसे कल्टिवेट कर दें तो शायद एनर्जी मल्टीप्लाइड थाउजेंड टाइम्स हो जाएगी तो जो ये इन लोगों का ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का डेमोक्रेसी को पॉलिटिकली एजुकेट करना लोगों को ठीक है एक प्लेटफॉर्म बनाना कॉमन प्लेटफार्म जहाँ पर लोग अपनी बात रख सकते हैं बता सकते हैं एक प्रोपेगेंडा सिस्टम खत्म करना ब्रिटिशर्स किस तरीके से आपको चनाकी से बेवकूफ बना रहे हैं वो समझना है ना दिज द थिंग्स अब देखिए इरा ऑफ मॉडरेट्स 1885 एटी फाइव टू नाइन हंड्रेड फाइव क्वेश्चन यहाँ से बस इतना आ सकता है याद रखिएगा

पब्लिक ओपिनियन को थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेट करना है चेंज करना है थोड़ा सा टर्न आउट करना है चीज़ों को किस तरीके से लोग सोचते हैं मॉडर्नाइजेशन को लेकर के प्रेयर एंड पटिशन है थ्री ना थ्री पीज जिन क्या आ जाता है थ्री पी मतलब कि प्रेयर पटिशन प्रेयर एंड पटिशन बस यही है आपका थ्री पी का ठीक है ये था जो कांग्रेस यूज करती थी बट लेटर टाइम दे फेल्ड कोई बहुत अच्छा रिजल्ट कॉन्क्रीट रिजल्ट आ नहीं पाया था और इसीलिए आपका रेवोल्यूशंस आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वेस में इन लोगों को भी कहना, क्या है ना एक्चुअली क्या हुआ था कि ये लोग भी करप्ट बन गए थे दे वर मोर लाइक इनको अपना ऑफिस है ठाट बाट है अपना बैठे हुए हैं आराम से तो धीरे धीरे जो इनका मकसद था ना वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था दे केम फॉर वन मोटिव एंड दैट मोटिव वॉज नो वेर नाउ एंड देयर वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग्स एंड लेजिस्लेचर के वहाँ पर जाकर डिमांड्स रख रहे हैं दैट वॉज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग इन एनी अदर वे ठीक है तो इतना है दोस्तों अभी तक आप इतना पढ़िए इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स भी पढ़े हैं दोस्तों जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें थोड़ा तो टाइम लगा था लेकिन अब जो हम लोग चैप्टर्स बढ़ाएंगे ना आगे यहाँ पर बहुत स्पीड से निकलेंगे आपने देखा कि हम लोग दूसरे चैप्टर के एंड पे आने वाले हैं मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाला पोर्शन जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर से काफ़ी कनेक्टेड है तो इसको मैं थोड़ा सा आराम से बैठ करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ताकि इंटर कनेक्शन आप लोगों का ब्रिज जो है वो क्रिएट हो जाए अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े थे वो सारे टाइम लिया उन्होंने थोड़ा लेकिन ये चैप्टर जो अब आएंगे ना मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब हम लोग क्लाइमेक्स तक पहुँच रहे हैं और हम लोग कहाँ तक पढ़ना है हम लोग हम लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट तक पढ़ना है कैबिनेट मिशन और जो आपका फोर्थ जून को जो डिसाइड हुआ था हमारा माउंट बैटन प्लान डिवीजन के लिए हमें वहाँ तक जाना है और यहीं तक आपका पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा अन एंड यू हैव टू थिंक कि आपने कितना पढ़ा कितना सीखा इन लेक्चर से क्योंकि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ में मेहनत करो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चीज़ों को क्योंकि ये सारा फ्री एक्सेस है आपके लिए मतलब ये फ्री मटेरियल है आप लोगों के लिए अगर मैं इतना चीख भी रहा हूँ बता भी रहा हूँ कहीं कहीं यकीन मानिए जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग खुद भी लेकर के बैठेंगे लेकिन आप लोग गाइडेंस जरूर यहाँ से ले सकते हैं कि हाँ इन पॉइंट्स से पढ़ना है यार ये इंपॉर्टेंट है अब आप लोगों में से जो भी चीज़ समझ रहा है अच्छी बात है जो नहीं समझ रहा है तो ठीक है यार आप लोग अपना बैठ के देखिए किस हिसाब से बनता है इतना मैं शोर कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट लाइन से बता करके टॉपिक्स को हटा करके जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका टाइम स्क्वीज बहुत ज्यादा होगा अगर आप अकेले बैठ के करेंगे लेकिन यहाँ से टाइम काफी आपका कम कम टाइम में आप ज्यादा कर लेंगे वो है ना हिसाब एक मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है ना दैट इज अ थिंग तो वही है कि मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट ऑफ रीडिंग चैप्टर ठीक है टेस्ट सीरीज आप लोग जाकर के देखिए एक बार और मॉडर्न इंडिया तीन से चार दिन में दो से तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी मेरे ख्याल से इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी आपकी मॉडर्न इंडिया सो आपका इशू खत्म हो जाएगा और अगर किसी को इंडियन पॉलिटी का रैपिड रिविजन सीरीज़ चाहिए दोस्तों कमेंट करिए आपके कितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे तब हम लोग उतना रैपिड रिविजन ऑफ सीरीज़ और पॉलिटी देंगे और पॉलिटी में ये होगा कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो चालीस चालीस से पचास पचास मिनट का एक लेक्चर होगा और उसमें वो सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं पॉइंट पॉइंट वाइज ठीक है चलिए तब तक ये ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए